जुड़े हुए हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर इस वक्त। सबसे बड़ी घटना हम आपको बताते हैं जहां अतीक अहमद की धमकी का एक और ऑडियो सामने आ चुका है, जिसमें वो रमाकांत दुबे को खुलेआम धमकी दे रहा है। रमाकांत दुबे नहीं, अतीक अहमद के खिलाफ पहली FIR दर्ज करवाई थी और कहा तो ये भी जाता है कि इसी FIR के बाद उसके लिए ये रास्ता तैयार हो गया था कि वो सलाखों के पीछे कभी भी जा सकता है। तो ये ऑडियो भी इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे। सनसनीखेज कर देना वो अलग ऑडियो है, हालांकि ये पहला अतीक का ऑडियो नहीं होगा। इसके पहले भी हमने देखा है कि कई सारे ऑडियो ऐसे आ चुके हैं जब अतीक ने, जब अशरफ ने डराया हो, धमकाया हो या जंगदारी वसूलने की बात कही। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। SPRA से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम कहे किसी कह सकते हैं, हम काउन से पहले कहा SPRA से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने के भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, आपने हमको मरवाया। नहीं नहीं, SPRA झूठ बोल रहा है। तुम तो कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता ना भैया, उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप बड़े बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। तुम SPRA के सामने बकैती कर रहे करो, शोधम बताते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा भैया, ये आपको भैया जो भी गुमराह कर रहा हो वो अलग मैटर है। मैं आपके विरुद्ध आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था, आज से नहीं। आज मेरी आपकी जो है 1992 में मैं आपके जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आप मैं भैया भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अब तो मार नहीं खाए हो, अब मार कहाँ देखे हो आप भैया, मार का मजा। अब आप बड़े भाई हैं, आप कहिए वहीं आए हमको मार दीजिए। अतीक मर्डर केस में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, मर्डर के प्लान में 3 नहीं 5 आरोपी थे शामिल। होटल से मिले आरोपियों के 2 मोबाइल फोन, ई रिक्शा से आरोपियों ने की थी रेकी, वारदात से पहले फेंका था सिम कार्ड। कमरा नंबर 203 में रुके थे शूटर। कमरा नंबर 203 से पुलिस ने 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं जिनमें सिम नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में नाबालिग लड़की की मौत पर बवाल, पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। बीजेपी ने घटना का वीडियो किया जारी, बीजेपी बोली रेप के बाद हत्या के सबूतों को मिटाने की हुई कोशिश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकारी बंगला किया खाली, लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद छोड़ा बंगला, अधिकारियों को सौंपी चाबी।